हेलो दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से अपने एक नेडो पे। दोस्तों जैसा कि आपने ऊपर टाइटल और थंबनेल पे देखा है, यहाँ पर आपने बिल्कुल ही सही देखा। दोस्तों अगर आप 2023 के अंदर जियो का कोई भी नया सिम कार्ड चालू करना चाहते हो, 4G या 5G सिम कार्ड, तो यहाँ पर आपको 2023 के अंदर कौन सा FR करना चाहिए, यहाँ पर कौन सा FR पे कितना OTF कमीशन मिलेगा, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखना। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को बिना मिस किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2023 के अंदर अगर आप जियो का कोई भी नया सिम कार्ड चालू करते हो, चाहे वो 4G हो या 5G सिम कार्ड हो, तो यहाँ पर आप जो है 2 FR को ये कर सकते हो। 2 FR बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चल रहा है 2023 के अंदर, और इसमें कमीशन भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर कस्टमर को भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा काफी अच्छा। तो चलिए आइए जान लेते हैं वो 2 FR के बारे में। जो यहाँ पर 2 FR निकल कर आता है दोस्तों, वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। जो यहाँ पर 2 नए FR है, पहला जो यहाँ पर FR निकल कर आता है वो यहाँ पर निकल कर आता है 239, और दूसरा जो यहाँ पर FR निकल कर आता है वो यहाँ पर निकल कर आता है 259। तो चलिए आइए जान लेते हैं सबसे पहले कस्टमर बेनिफिट के बारे में कि ये प्लान में यहाँ पर कस्टमर को क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा। पहले नंबर का जो FR निकल कर आता है दोस्तों, वो यहाँ पर निकल कर आता है 239। अगर आप 239 वाला FR को यूज करते हो तो यहाँ पर जो कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा लोकल और एसटीडी किसी भी नेटवर्क में अनलिमिटेड कॉल, फ्री अनलिमिटेड कॉल, वॉइस कॉल यहाँ पर यूज कर पाएगा कस्टमर। इसके साथ यहाँ पर डेटा मिलेगा यहाँ पर कस्टमर को 1.5 GB रोजाना पर डे डेटा, और 100 SMS यहाँ पर रोजाना कस्टमर को यूज करने के लिए दिया जाएगा। इसका जो यहाँ पर वैलिडिटी रखा गया दोस्तों, वो यहाँ पर रखा गया 28 दिनों के लिए। 28 दिनों का वैलिडिटी के साथ ये प्लान कस्टमर को देखने को मिलेगा। जो भी जियो का एप्स होते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर बिल्कुल ही फ्री में कस्टमर को एक्सेस करने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप जान लेते हैं दूसरे प्लान के बारे में। जो यहाँ पर दूसरा प्लान निकल कर आता है दोस्तों, FRC प्लान, वो यहाँ पर निकल कर आता है FRC 259। अगर आप यहाँ पे FRC 259 यूज करते हो तो इसमें कस्टमर को मिलेगा अनलिमिटेड वॉइस कॉल किसी भी नेटवर्क में, लोकल प्लस एसटीडी यहाँ पर फ्री वॉइस कॉल यूज कर पाएगा कस्टमर। इसके साथ यहाँ पर कस्टमर को डेटा मिलेगा 1.5 GB रोजाना डेटा, और यहाँ पर 100 SMS रोजाना यूज करने के लिए कस्टमर को यूज करने के लिए मिलेगा। इसका जो यहाँ पर वैलिडिटी रखा गया है वो रखा गया है 1 month के लिए, यानी कि कोई महीना अगर यहाँ पर 30 का होता है या फिर यहाँ पर 31 का होता है तब भी वो यहाँ पर 31 दिनों तक यहाँ पर यूज कर पाएगा। तो दोनों प्लान में ये सारा कुछ बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को। तो चलिए आइए जान लेते हैं अब यहाँ पर रिटेलर का कमीशन के बारे में कि रिटेलर को कितना OTF पे आउट कमीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा इस 2 FR के अंदर। पहले नंबर का जो FR है, पहला 239, अगर आप 239 नया सिम चालू करते वक्त ये FR को यूज करोगे तो यहाँ पर आपको OTF कमीशन मिलेगा 109 रुपया का। 109 रुपया का आपको OTF कमीशन यहाँ पर आपको पैसा देखने को मिलेगा। और दूसरा जो यहाँ पर FR निकल कर आता है वो यहाँ पर निकल कर आता है FR 259 का। अगर आप FR 259 करते हो तो यहाँ पर आपको कमीशन मिलेगा OTF कमीशन 123 रुपया। तो आपको यहाँ पर ये 2 FR के साथ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर OTF कमीशन मिलेगा जियो की ओर से दिया जा रहा है 2023 के अंदर, अगर आप जियो का नया 4G 5G सिम कार्ड चालू करते हो। तो दोस्तों आपको ये 2 FR में कौन सा FR ज्यादा बेस्ट लगा यहाँ पर कमीशन के मामले में और कस्टमर बेनिफिट के हिसाब से, वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।